दोस्तों हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रदीप फिर आए चर्चा में। क्या है पूरा मामला, अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों अगर आप HSC CET के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। सभी सब्जेक्ट के हैंडराइटिंग के नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं जो कि बिल्कुल फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना, और ये न्यूज़पेपर की कटिंग हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से आप इस कटिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों का परिणाम पर जवाब, हम अपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट मानने के लिए बाधित हैं। और हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट कमेटी से पूछा तो कमेटी ने उम्मीदवारों के उत्तर को सही बताया है। क्या है पूरा मामला, दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले दिनों हाईकोर्ट से फटकार पड़ी थी जब क्लर्क पद के लिए परिणाम घोषित में पहले चयनित उम्मीदवारों को संशोधित सूची के स्थान पर के कारण 7 दिन का नोटिस देकर बाहर कर दिया था। क्लर्क के पदों पर लिखित परीक्षा में सही जवाब को आयोग ने गलत माना था। जब उम्मीदवारों ने आयोग में संपर्क किया तो तभी उन्हें चीफ एग्जामिनेशन की रिपोर्ट को सही बताते हुए उम्मीदवारों को सही जवाब को सही नहीं माना था। तब हाईकोर्ट ने दोबारा से लिखित परीक्षा का मूल्यांकन के आदेश दिए। तब पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फिर वही रवैया अपना रही है, और वर्ष 2018 में पुलिस सब इंस्पेक्टर पुरुष के 400 पद विज्ञापित किए गए थे। जब इसका अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो चयनित न होने वाले उम्मीदवारों में से कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दलील दी है कि फाइनल आंसर की में कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो गलत थे, और उन्होंने आयोग को प्रतिवेदक दिया है कि आपत्ति को दरकिनार भी कर दिया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, और हाईकोर्ट के निर्देश पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। एक्सपर्ट कमेटी उम्मीदवारों के दोनों जवाबों को सही पाया है, और याचिकाताओं ने इसके आधार पर इन दोनों प्रश्नों के नंबर देने का आग्रह मगर किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वह अपने एक्सपर्ट के 28 दिसंबर 2020 को दी गई रिपोर्ट में मानने का बाधित हैं, और हाईकोर्ट के आदेश पर गठित एक्सपर्ट कमेटी टीम रिपोर्ट मानने के लिए बाधित नहीं है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा मामला क्या है कि दो जो क्वेश्चन थे आपके उनको जिस प्रकार से क्लर्क भर्ती में जो सिस्टम बैठा था भाई SSC का, दो क्वेश्चनों को गलत माना था। उसी प्रकार से ये जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है इसमें भी दो क्वेश्चन को गलत माना है, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन थे आपके क्लर्क भर्ती में, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो ये अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन क्वेश्चनों का। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक कटिंग डाउनलोड, हमारे टेलीग्राम चैनल से एक कटिंग को वेब डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की एक्सपर्ट कमेटी मेंबर के नाम रिपोर्ट बताएं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, उसमें आपको पूरा बता दिया जाएगा कि भाई जो एक्सपर्ट टीम बनाई गई है उसकी रिपोर्ट क्या रही है, और जो HSC की जो एक्सपर्ट टीम है उसका क्या मानना है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।